वाइडनिंग किया है, दूसरा है कॉन्सेंट्रिक वाइडनिंग, कि जो सेंटर लाइन एग्जिस्टिंग रोड की है वही सेंटर लाइन वाइडेंड एरिया की भी रहेगी, आप दोनों तरफ उसको वाइडनिंग करेंगे। तो ये सारे इश्यूज आप डिजाइनर के साथ डिस्कस करें, और स्लैब साइज क्या रहना चाहिए, कहां पर जॉइंट की लोकेशन आएगी, ये सारी चीजें आप उस समय डिस्कस कर लें, ताकि किसी भी एक स्लैब के नीचे नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ सपोर्ट ना हो। अगर आपने ये इंश्योर कर दिया तो फिर कभी इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ सपोर्ट के लिए पीक्यूसी डिजाइन नहीं होती। कॉन्क्रीट पेमेंट के डिजाइन में ये एक अजम्पशन है कि नीचे जो भी सपोर्ट मिलेगा वो यूनिफॉर्म और स्टेबल रहेगा। इस अजम्पशन के आधार पर डिजाइन किया जाता है, यही सारे के सारे कोड की कैलकुलेशन इस अजम्पशन के आधार पर है, और अगर वो अजम्पशन फील्ड में नहीं आ पा रही है तो आपका डिजाइन भी सक्सेसफुल नहीं होगा। दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी। हाँ जी सर, जी जी, तो 2.5 से 3 मीटर के आसपास उसका ज्वाइंट है, तो हमको प्रिकॉशन में क्या करना था, क्या पैनल साइज को 3 मीटर रख के बैलेंस, जैसे मैंने बताया अगर आपका एक पुराने वाला पोर्शन 3 मीटर का है तो आपको पैनल साइज कितना रखना चाहिए था, 3 मीटर, तो फिर रेस्ट वाले को बैलेंस कर देते, उधर लेकर के जाते। ऐसा देखा गया है कि ये जो 3 मीटर से ओवरहैंग भी अगर आप 1 फीट भी दूर चले जाते हैं, करीब करीब 30 सेंटीमीटर भी चले जाते हैं तो आप सेफ रहते हैं, लेकिन 30 सेंटीमीटर से जैसे ज़्यादा ओवरहैंग बनता है तब क्रैकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे पुराना 3 मीटर है तो 3 मीटर से आप 3.25 मीटर तक लगभग स्लैब का साइज रख सकते हैं। बेहतर तो यही है कि 3 मीटर पर ही रख के जो पुरानी वाली बाउंड्री है उसी के ऊपर आप साइज आपका स्लैब का आना चाहिए। तो बैलेंस जो हमारा 4.5 मीटर से ज़्यादा बच रहा है तो उसमें फिर अगेन एक और पैनल आएगा। हाँ, उसमें दूसरा पैनल आएगा, जैसे 10.5 मीटर है ना, 10.5 मीटर है ना, जैसे नहीं वहाँ 9 मीटर है, यहाँ 10.5 मीटर रायपुर में। अच्छा, 9 मीटर में से जैसे आपने 3 मीटर का अलग किया है तो 3 मीटर का एक साइज हो जाएगा और बाकी साइज 6 मीटर बचा। कोड ये कहता है कि कोई भी डायमेंशन कंक्रीट पेमेंट की 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 ही विड्थ में जा सकते हैं, 5 ही लेंथ में जा सकते हैं। तो अगर 5 बैलेंस बचता है तो 5x5 बड़े आराम से किया जा सकता है, अदरवाइज रिस्क रहता है। मैं 6 मीटर में ये तो नहीं कहूँगा कि इमीडिएटली क्रैकिंग हो जाएगी, पॉसिबिलिटी कुछ स्लैब्स में ज़्यादा रहेंगी, बट डेफिनेटली 6+3 रखना बेहतर है 4.5x4.5 रखने के। अच्छा, जहाँ पर आपने 4.5x4.5 अगर रख दें स्लैब का साइज, तो ओवरहैंग करीब करीब 1.5 मीटर का हो जाता है, तो 1.5 मीटर में भी इतना जल्दी क्रैकिंग नहीं होगी जैसे यहाँ पर अगर हो गया है। अगर आप 1.5 मीटर का एक पैनल साइज अलग कर दें, रायपुर में केस डिफर है, रायपुर में क्या है कि बीच का मीडियन का वेट बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, तो मीडियन वेट ज़्यादा होने से वहाँ का जो कोल्ड सरफेस है, हाँ कोल्ड सरफेस मात्र 1 से 2 मीटर के अंदर, हाँ मतलब ज़्यादातर पोर्शन मीडियन के नीचे चला गया है। और इशू वो नहीं है, आप डाबर निकालें या ना निकालें वो इशू बिल्कुल नहीं है, बेशक आपने कर दिया हो, लेकिन WBM के नीचे जो पोर्शन था वो ऑलरेडी वेल कॉम्पैक्टेड है, इधर वाला नहीं है। बेशक आपने एक लेयर पूरे एंटायर विड्थ में यूनिफॉर्मिटी से डाल दी गई हो, तभी भी वो इशू खत्म नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्मिटी का वो रहता है। तो मेरा सेशन ये है कि आप उस चीज़ को, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूं, अगर आपने जैसे 9 मीटर का रखा है, उस 9 मीटर को अगर आपने 4.5x4.5 कर देते, दो अलग अलग लेंस में कास्ट करते तो भी बेहतर होता। देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप पता नहीं नेशनल हाईवे जो इसको बनाएगा, हालांकि ये इश्यू मैं कोशिश करूँगा कि नेशनल हाईवे वालों के साथ भी डिस्कस कर लूँ, लेकिन NHAI का आप तो अब नहीं बनाएंगे, आपने तो जो बनाना था बना दिया, अब जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो NHAI के अंडर में है। NHAI का कोई भी आपको अधिकारी मिले, मैं भी अपनी तरफ से कहूँगा, आपको भी कोई अधिकारी मिले तो मेरी पिंपरी सर से गुजारिश है कि उनको ये कहिए कि जहाँ 9 मीटर की वाइडनिंग आप 9 मीटर का कैरेज वे है उसको 4.5x4.5 की 2 सेपरेट लेन में कंस्ट्रक्ट करें,
9 मीटर का एक ना करें, क्योंकि एक करने से वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। साढ़े चार में डिवाइड करने से आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाएगी। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन करें तो साढ़े चार की दो लेंस का अलग अलग करें। और आप इसी सेक्शन में देख लीजिए, चेनेज जीरो से लेकर के 3400 चेनेज तक, हाई कोर्ट के सामने वाला पोर्शन दो लेन में किया हुआ है, वो 9 मीटर का एक साथ में नहीं किया, उसमें साढ़े चार की एक लेन अलग कंस्ट्रक्शन की गई और साढ़े चार की दूसरी लेन एक दो महीने बाद कंस्ट्रक्शन की गई, उसमें क्रैकिंग नहीं है अभी, वो ज्यादा सेफर है। तो पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि एक फैक्टर तो ये है, दूसरा फैक्टर है कि 9 मीटर के जब नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से जो डिफ्लेक्शन जो होता है, 9 मीटर का पैनल साइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसमें ज़्यादा वो कैंटिलीवर एक्शन आएगा, और जो छोटा पैनल है उसको जब टिल्ट होगा नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से उसमें कम आएगा। तो मेरा अनुमान यह है कि जो साढ़े चार जहाँ पर अलग अलग की गई थी उसमें क्रैकिंग नहीं आएगी, आएगी भी तो करीब करीब 15-20 साल के बाद हो सकता आ जाए कुछ पैनल्स में, अदरवाइज मेरी तरफ से वो सेक्शन सेफ है। और आगे भी जो आप कंस्ट्रक्शन करें, जो बैलेंस बचा हुआ है उसमें साढ़े चार की एक लेन एक टाइम पर बनाए, साढ़े चार की दूसरी लेन दूसरे टाइम पर बनाए। जैसे ही आप साइज कम करते हैं कर्लिंग इफेक्ट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं, बड़ा साइज का कर्लिंग इफेक्ट्स ज़्यादा हो जाता है, कर्लिंग स्ट्रेस ज़्यादा हो जाते हैं। पैनल साइज ये मैं डिज़ाइन के इशू में बताऊंगा कि जैसे आप साइज कम कर देते हैं उसमें डिज़ाइन के जो कर्लिंग स्ट्रेसेज है, टेम्परेचर स्ट्रेसेज है, वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऑलवेज शॉर्ट पैनल रखना समझदारी होती है। तो आप उसको साढ़े चार में करें। हाँ, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, विनोद जी ने बताया शायद वो छूट रहा है, वो जो नीचे का जो आप पोर्शन है जिसके जो लोड लोड एक्सेप्ट करता है, लोड डिस्पर्स करता है, हमारे यहाँ पर जो है आपके इधर पे काफ़ी पोर्शन में ब्लैक कॉटन सॉइल देखा गया है। और मैंने कल गया था वहाँ पर, कल सारा चेक किया, ब्लैक कॉटन सॉइल की एक बड़ी प्रॉपर्टी आप लोगों को सबको पता होगा कि ये इसका बिहेवियर जो है था थ्रू आउट द सीजन सेम नहीं होता है, और समटाइम्स स्वेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप जो हम सोच चल रहे हैं कि हमने कंपेक्शन बहुत अच्छा किया है, सारी लेयर्स डाले हुए हैं, लेकिन वो उसका स्वेलिंग प्रेशर जब 50 से ऊपर हो जाता है तो वो ऊपर के कंक्रीट के ऊपर तक उसका इफेक्ट चला जाता है। यहाँ पर आपने कल मैंने पूछा था तो वहाँ पर वो उसको स्टेबलाइज नहीं किया गया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्टेबलाइजेशन बिल्कुल नहीं था और आपको नीचे का नज़र नहीं आता। आप अगर ब्लैक कॉटन, ये नागपुर बेल्ट का राइट, जहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल है, जहाँ पर कोई पेमेंट नहीं, सिर्फ मिट्टी मिट्टी पड़ी है, आप एक बार गर्मियों के सीज़न में जाइए वहाँ पर और एक बार विंटर सीजन में, सॉइल पर कोई ट्रीटमेंट मत करिए, सिर्फ सॉइल की कंडीशन देखिए, आपको देख के हैरानी हो जाएगी कि इसके ऊपर रोड कैसे बन सकती है, सॉइल में इतना वो आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई है, ये एक रीज़न है, हो सकता है दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न, लेकिन आगे आप कभी भी इस चीज़ को करें तो मैं जस्ट एक ऐड करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान करके उसको स्टेबलाइज करके। तो ये चीज़ अभी जो सर ने बताई है वो छोटी नहीं है, वो दूसरे वर्ड में जो इनस्टेबिलिटी वाला है ये उसका इशू है। तो अभी तक हम आपको डिस्कस कर रहे थे कि सपोर्ट यूनिफॉर्म होना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि आपने कहा कि यूनिफॉर्मिटी नहीं, वी हैव कॉम्पैक्टेड दिस अपग्रेड टू द ऑप्टिमम लेवल, अब उसके अलावा मैं बताता हूँ, कोई ऑप्शन देखिए सर, आप जितना बेहतर कॉम्पैक्शन करेंगे, मैं ये कहता हूँ कि रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए आपने कॉम्पैक्शन कर दिया, आपके कॉम्पैक्शन में कमी नहीं है, लेकिन जो रेनी सीजन के बाद जो थोड़ा कंसोलिडेशन टाइम के डिपेंडेंट होता है वो होगा, वो ऑलरेडी दूसरे में हो चुका है, तो उससे जो लेवल डिफरेंस आता है, जो वो सेटलमेंट कंसोलिडेशन थोड़ा आता है, नॉन यूनिफॉर्मिटी उसकी वजह से आती है। आपके शुरुआत में कॉम्पैक्शन ढंग से नहीं किया उसकी वजह से नहीं, आप कॉम्पैक्शन बड़े अच्छे ढंग से करेंगे तो भी वो नॉन यूनिफॉर्मिटी विद टाइम आएगी, एक दो रेनी सीजन जैसे पास होगा वो कंसोलिडेशन होने करके, नेचुरल कंसोलिडेशन जो होता है उसके बाद नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी, तो उसमें आपकी तरफ से कमी नहीं है। तो यदि हमारे पास यदि नॉन वो आने वाली है ये तय आएगी, इट विल टेक टाइम, तो यदि हमारे 10 मीटर का पेमेंट बना रहे हैं कंक्रीट का, तो 5-5 मीटर के दो पैनल बना रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, ऑलरेडी पुरानी रोड हमारी, तो हमारे पैनल साइज कैसे हम उसको मॉडिफाई करेंगे,
सात मीटर, देखिए पैनल साइज आपको डिसाइड करना है, पैनल साइज छोटे से छोटा कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 5 मीटर हो सकता है। इसी में डिजाइनर को पैनल साइज अपना सेट करना पड़ता है। जब डिजाइन करते हैं तो डिजाइन के जो स्ट्रेसेस हैं वो पैनल साइज पर भी डिपेंड करते हैं, इसलिए डिजाइन में क्या पैनल साइज है जो फील्ड की इस कंडीशन से कोरिलेट करके पैनल साइज, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, कहां पर ज्वाइंट आएगा, ये उस समय डिसाइड किया जाता है। और ये पॉसिबल है करना कि आप कैसे जॉइंट्स को रखेंगे, लेकिन मोटे तौर पर अगर आपकी नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ सपोर्ट आता है तो लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। इसी से रिलेटेड एक और ही था कि जो बेस मटेरियल है, तो आपने बिलासपुर में भी देखा होगा कि कुछ जगह आउटर पैनल में क्रेक आया है लॉन्गिट्यूडनल, तो बेस मटेरियल को कितना प्रोटेक्शन देना चाहिए वो मैं बताता हूँ। स्लाइड हो रहा था वेदर, वो मैं बताता हूँ कि जो बाहर वाले क्रैक हैं उनका क्या इश्यू है, ये मैं भी डिस्कस करता हूँ। मेरा कहना ये है कि 3 मीटर को 3.25 मीटर के आसपास तक जाया जा सकता है, 3.5 तक भी जाया जा सकता है, लेकिन बाकी जो पैनल है कोशिश करें कि 5 मीटर से ऊपर ना हो। लेकिन 6 मीटर भी अगर आप किसी एक मिनट आप कह चुके क्या उससे अंतर नहीं पड़ेगा, 5 मीटर की जो एक स्लैब है उसके नीचे सेम रहना चाहिए, उसके नीचे और साइड वाली स्लैब के नीचे अंतर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, वो टाई बार से कनेक्टेड रहेंगी, जो थोड़ा 1-2 mm का डिफ्लेक्शन होता है, 2-3 mm का गैप आता है, उसको टाई बार जो है उससे कनेक्टेड अगर है तो उसको टेक केयर कर लेंगे, वो क्रैकिंग वाली पोजीशन नहीं आएगी। तो एक स्लैब और 2 स्लैब के बीच नीचे अंतर है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही स्लैब के नीचे डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब दूसरा इश्यू लेते हैं स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी से मतलब क्या है? हाँ मैं बता रहा था, ये वो स्टेबिलिटी वाले में आ जाएगा। स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो भी आपके नीचे की लेयर्स हैं, चाहे वो सबग्रेड है या दूसरी लेयर्स हैं, स्टेबिलिटी की अगर टेक्निकली आप डिफाइन करें, कोई भी मटेरियल अगर उसके वॉल्यूम में किसी एनवायरमेंटल पैरामीटर की वजह से चेंज न हो रहा हो तो वो स्टेबल मटेरियल माना जाता है। जैसे सॉयल है, सॉयल में मॉइस्चर एंटर किया या मॉइस्चर बाहर गया और सॉयल के वॉल्यूम में चेंज ना हो रहा हो तो उसको हम स्टेबल सॉयल बोलेंगे। तो जो सपोर्ट है, जो सबग्रेड आपने बनाया है, अगर वो स्टेबल है, उसमें मॉइस्चर के वेरिएशन से, टेम्परेचर के वेरिएशन से वॉल्यूम में बढ़ना या घटना नहीं हो रहा है तो ऐसा सपोर्ट स्टेबल माना जाता है और यही सपोर्ट रिक्वायर्ड है कंक्रीट पेमेंट के नीचे। लेकिन इनस्टेबिलिटी कहां पर आती है? जहां पर सबग्रेड ब्लैक कॉटन सॉयल का होता है। अगर आपकी ब्लैक कॉटन सॉयल है उसमें जैसी मॉइस्चर आएगी वो स्वेल करेगी, स्वेल करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ गया तो वो स्टेबल नहीं है, जैसी मॉइस्चर खत्म होगा वो श्रिंक करेगी, उसके अंदर क्रैक पड़ेंगे। तो ये जो ब्लैक कॉटन सॉयल की जो स्वेलिंग और श्रिंकेज वाली जो प्रॉपर्टी है, जो मॉइस्चर के वेरिएशंस के कारण होती है, ये इनस्टेबिलिटी आपके सबग्रेड में, आपके सपोर्ट कंडीशंस में नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर इनस्टेबिलिटी हो गई तो नॉन यूनिफॉर्मिटी अपने आप आ जाती है। कैसे? आपने बीसी सॉयल का एक सबग्रेड बना दिया, वेल कॉम्पैक्टेड है, बीसी सॉयल का जब आप सबग्रेड बनाते हैं थोड़ा हायर मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, आपने कर दिया, शुरुआत में एक वॉल्यूम है, आपने उसके ऊपर आप सीसी डाल दी, जैसे मॉइस्चर एंटर करेगा वो स्वेल करेगा। अब जब स्वेल करेगा वो यूनिफॉर्मली स्वेल नहीं करेगा, कहीं से ज्यादा ऊपर उठेगा, कहीं से कम ऊपर उठेगा, तो जो हीविंग हो जाती है सबग्रेड की, ऊपर और नीचे जो अंडुलेशन आ जाते हैं, उससे नीचे का सपोर्ट यूनिफॉर्म थोड़ी रहा, वो नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ सपोर्ट अपने आप आ जाती है। तो ब्लैक कॉटन सॉयल के जितने भी सबग्रेड हैं वो इनस्टेबिलिटी का वजह बनते हैं। तो अगर कभी भी आप ब्लैक कॉटन सॉयल एरिया में काम कर रहे हो, जैसे अगर हमने इसमें देखा उधर बिलासपुर की साइड में ब्लैक कॉटन सॉयल है और इधर नहीं है, तो कोशिश क्या क्या करनी चाहिए, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि ब्लैक कॉटन सॉयल के एरिया में काम करने के लिए। जैसे सबसे पहले चीज तो यही है कि आप जो एग्जिस्टिंग सॉयल है उसको रिप्लेस कर दें, कम से कम जो सबग्रेड है, जो 50 सेंटीमीटर का सबग्रेड है उसको, या हाईवेज के केस में तो अगर हमने इंदौर बाईपास अगर आपने देखा हो कभी,
इंदौर बाईपास ब्लैक कॉटन सॉइल का एरिया है और उसमें 1.5 मीटर तक की सॉइल को रिप्लेस किया गया था। तो कम से कम 50 सेंटीमीटर जो सबग्रेड हम मानते हैं उसको आप रिप्लेस कर दें, अच्छी सॉइल वहां पर ले आए। दूसरा तरीका, हाँ जी, जो वाइटनिंग होती है, हाँ, वाइटनिंग का जो एक्सकेवेटर रहता है वो बड़ा में रहता है और उसमें नीचे जो आप देते हैं पर उसमें जो मिट्टी डालते हैं उसमें आके काली मिट्टी आके मिक्स हो जाती है, हाँ, बरसात हो जाती है बीच में जी। ठीक है मैम, और 4 सेंट का यदि अपन वहां पे डालते हैं तो किसी भी स्थिति में रोड नहीं बैठती है, हाँ, तो ये प्रिकॉशंस आपको ले लेनी चाहिए। तो एक तो रिमूवल हुआ सॉयल का, रिप्लेसमेंट हुआ, दूसरा है स्टेबलाइजेशन। आप सीमेंट से स्टेबलाइजेशन कर दे, लाइम से कर दे, 3-6% जितना भी उसमें ऐड करें स्टेबलाइजेशन किया जाता है। स्टेबलाइजेशन बीसी सॉयल के बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल कर देता है। प्रॉब्लम स्टेबलाइजेशन के लिए ये है कि मिक्सिंग थोरो यूनिफॉर्म नहीं हो पाती, कहीं पर स्टेबलाइज हो गया कहीं पर स्टेबलाइज नहीं हुआ, तो नॉन यूनिफॉर्मिटी या स्वेलिंग वाली सिचुएशन तभी भी रह सकती है। तो ज़्यादा रिलाई स्टेबलाइजेशन के ऊपर, बहुत सारे प्रोडक्ट वैसे भी आजकल कमर्शियल प्रोडक्ट आए हुए हैं जो कहेंगे अगर आप इसको बीसी सॉइल में मिक्स कर दीजिए तो सीमेंट और लाइम की जगह का स्टेबलाइजेशन ही कर देंगी। तो ऐसे मटेरियल अवेलेबल हैं जो आपको स्टेबलाइजेशन करने में हेल्प करेंगे, लेकिन स्टेबलाइजेशन से ज़्यादा कारगर रिप्लेसमेंट है, क्योंकि स्टेबलाइजेशन में यूनिफॉर्मली स्टेबलाइज नहीं हो पाती, यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं हो पाती। और तरीके भी हैं कि आप सॉइल को रिप्लेस भी कर रहे हैं, रिप्लेस करने के साथ साथ ऊपर एक थिक ग्रेनुलर लेयर भी डाल रहे हैं, जैसे जीएसबी की लेयर है या डब्ल्यूबीएम की लेयर है या डब्ल्यूएमएम की लेयर है, जितना ऊपर लेयर आप डालेंगे, सैंड की लेयर भी डाली जाती है, 100-150 mm की सैंड की लेयर डाल दें ताकि जो नीचे का एक्सपेंसिव बिहेवियर है ऊपर तक पीक्यूसी में पहुंचने में उससे पहले वो अरेस्ट हो जाए। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पैरामीटर अगर पेमेंट फेल्योर हो रहा है ब्लैक कॉटन सॉयल की वजह से, वाटर की एंट्री को कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी देखा गया है कि आपने 1-1.5 मीटर तक का रिप्लेस कर दिया, फिर भी अगर आपके साइड के फील्ड्स हैं, मैंने मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास मैंने 2 साल पहले एक रोड को विजिट किया था, उसमें सब कुछ किया गया लेकिन दोनों साइड में पैडी के फील्ड्स थे। अब धान के खेत में तो कंटिन्यूअस कहीं के महीने तक पानी भरा ही भरा रहता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि दोनों साइड में पानी भरा रहता है, लगातार भरा रहता है, तो वो नीचे तो ब्लैक कॉटन सॉयल अगर एग्जिस्ट करती है, आप डेप्थ को भी मेजर करेंगे कितनी डेप्थ तक ब्लैक कॉटन सॉयल है। अगर आपने 50 mm ऊपर का रिप्लेस कर दिया, नीचे वाली सॉयल अभी भी ब्लैक कॉटन सॉयल है और पानी लगातार स्टैंड कर रहा है दोनों साइड में, तो वो नीचे वाली सॉयल पर जाकर के एक्सपेंसिव लेयर, एक्सपेंसिव बिहेवियर करेगा और उसका इफेक्ट ऊपर तक आ सकता है, ऊपर वाली कंक्रीट बीचों बीच लॉन्गिट्यूडनली क्रैक हो जाएगी। जहाँ जहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉयल की वजह से फेलियर हुआ है ऐसे बहुत सारी जगह देखे गए हैं कि बीच में से लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग हो गया है बीसी कॉटन सॉयल के बिहेवियर की वजह से। जो स्वेलिंग वाले बिहेवियर आएगा उसकी वजह से जो नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी, अक्सर उसका फेलोर टाइप जो है, जैसे बिलासपुर साइड में अगर आपने देखा होगा कोई ऐसा क्रैकिंग जो एज से शुरू हुआ हो, अंदर पेमेंट में आया हो और फिर एज पे जाकर के ख़त्म हो गया हो, वो थ्रू आउट लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, तो इस तरह के क्रैक जो है नॉन यूनिफॉर्मिटी बिकॉज ऑफ स्वेलिंग बिहेवियर जो होता है उसकी वजह से इस तरह की क्रैकिंग, जैसे कुछ हिस्सा पेमेंट का ऐसे आकर के अलग से क्रैक हो गया, इस तरह की क्रैक आप यहाँ पर देखेंगे, या तो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली बिल्कुल मिडिल में एक क्रैक जा रहा है लॉन्गिट्यूडनली, वो पहचान होती है स्वेलिंग की वजह से, या फिर कुछ लोकलाइज फेलियर जो एज से शुरू होकर के पेमेंट के अंदर आएंगे और फिर एज की तरफ निकल जाएंगे, इस तरह के भी नॉन यूनिफॉर्मिटी बिकॉज ऑफ स्वेलिंग बिहेवियर ऑफ सॉयल क्रैकिंग हो जाती है। तो आप ये इंश्योर करें कि पानी की एंट्री ब्लैक कॉटन सॉयल में सबग्रेड के नीचे वाला जो एम्बेंगमेंट है उसमें भी ना हो, फॉर्मेशन विड्थ को थोड़ा ज़्यादा रखें, और प्रोटेक्शन अगर आप कुछ भी कर सकें जैसे फील्ड्स को थोड़ा सा पानी से दूर रखें उस सॉयल को, तो ये सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं एज एन इंजीनियर आपको करना चाहिए। एक बार सारा समराइज कर देता हूँ, रिप्लेसमेंट सबसे बढ़िया टेक्निक है, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉयल करें गुड सॉयल से, हैवी थिकनेस वाला ग्रेनुलर सब बेसिस दें और सबग्रेड के ऊपर 100-150 mm की कोर्स सैंड की एक लेयर डालें, उसके ऊपर ग्रेनुलर सब बेस रखें,
उसके बाद फिर आप सीसी बनाएं। ऐसा भी परफॉर्मेंस रिकॉर्डेड है कि ब्लैक कॉटन सॉयल में अगर आप रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट बनाएंगे तो वो ज़्यादा कारगर होते हैं। हमारे यहाँ भी आरसीसी के पेमेंट नहीं बने हैं, पुणे सिटी में जरूर 35-40 किलोमीटर का सेक्शन पिछले 2-3 साल में बनाया गया है, लेकिन सीआरसीपी की जिसको हम कंटिन्यूसली रीइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट बोलते हैं, उन पेमेंट्स की परफॉर्मेंस ब्लैक कॉटन सॉयल एरियाज में बेटर मानी गई है, बेटर आंकी गई है। वैसे अभी हाईवेज हमारे यहाँ तो बनाने शुरू नहीं किए, मैटर है कि कॉस्ट का, क्या आप रीइंफोर्समेंट डालेंगे थोड़ा कॉस्ट और बढ़ेगी, लेकिन उसमें यह क्रैकिंग वाली प्रॉब्लम जो है ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाती है। तो ये जो दो मैंने शब्द बताए हैं, यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें, प्रॉपर केयर लें और उसके बाद फिर आप कंक्रीट पेमेंट का कंस्ट्रक्शन करें। तो यहाँ का कोई और इशू जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। यदि ब्लैक कॉटन रिच नहीं है और गुड सॉइल का रिच है तो इज इट नेसेसरी टू प्रोवाइड सब बेस लेयर और सब बेस लेयर सीधा हम सबग्रेड के ऊपर पिकिंग कर सकते हैं? ये इशू, ये क्वेश्चन में से छूट गया था, इसको रिप्लाई करना। बहुत सारे पेमेंट शुरुआत में, जैसा मैंने बताया कि थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट ये है कि अगर सबग्रेड के सीबीआर 10% है तो उसके ऊपर अगर आप सीधा पीक्यूसी के लिए डाल दें तो डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन कभी भी 1.25 mm से ज़्यादा नहीं होगा, वो कंक्रीट की इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा माना जाता है थ्योरेटिकली। लेकिन जो कंक्रीट पेमेंट सीधे पीक्यूसी सबग्रेड के ऊपर डाली गई, सीबीआर 10% से ज़्यादा थी, तो भी वो पेमेंट प्रीमेच्योर फेल्योर हो गया, वो 20-25 साल तक नहीं चल पाए। क्यों? जेपीसीबी में आप देखते होंगे ज्वाइंट्स तो होते ही हैं, ट्रांसवर्सल लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, क्या हुआ उन पेमेंट्स में, उन ज्वाइंट्स के थ्रू पानी नीचे जाना शुरू हुआ। अब नीचे सब ग्रेड है, सॉयल तो सॉयल है, चाहे वो सीबीआर कितने भी हो, जैसे ही पानी उसमें जाएगा वो वीक हो जाएगी, तो नीचे मड बन जाता था, कीचड़ बन जाता था पानी जा करके, और जैसे ही ऊपर से व्हीकल पास होती थी ये स्लैब नीचे दबती थी, और जो नीचे कीचड़ है वो या तो साइड में से निकल जाता था या ज्वाइंट के थ्रू ऊपर आता था, उसको मड पंपिंग बोला गया। तो जब मड पंपिंग हो करके नीचे वाली सॉयल ही हट गई तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ सपोर्ट अपने आप खत्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ सपोर्ट आ गई और वो स्लैब प्रीमेच्योर फेल हो गई। अगर कंक्रीट पेमेंट 20-25 साल से पहले फेल होता है तो समझ लीजिए 99% नॉन यूनिफॉर्मिटी और इनस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं हुई है, तभी उसका प्रीमेच्योर फेल्योर होगा, अदरवाइज डिजाइन इस ढंग से होता है कि वो फेल्योर 20-25 साल से पहले तो होता ही नहीं, बल्कि जिस आधार पर डिजाइन किया जाता है, फटीग ऑफ कंक्रीट के आधार पर डिजाइन किया जाता है, कंक्रीट की फटीग एक्चुअल में 20-25 साल में भी नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा था शुरू में कि डिजाइन लाइफ बेशक 20-25 साल हो, एक्चुअल सर्विस लाइफ कंक्रीट पेमेंट का 35-40 साल हो सकता है, 35-40 साल से पहले फटीग नहीं होगी जिसके ऊपर हम डिजाइन करते हैं। अगर आप IRC 58 को देखें, डिजाइन फिलोसफी, वो सारी फटीग ऑफ कंक्रीट के आधार पर डिजाइन किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में फटीग के जो मॉडल्स हैं वो इतने कंजर्वेटिव हैं कि अगर हम अनुमान करें कि 20 साल में फटीग हो जाएगा, एक्चुअल कंडीशन में 40-50 साल में भी फटीग नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप आज के डिजाइन के आधार पर कंक्रीट पेमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बेसिक डिजाइन लाइफ 25 साल हो, एक्चुअल सर्विस लाइफ उनकी 45-50 साल होगी, प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जाए। अगर इससे पहले कोई फेल्योर होता है जैसे यहां पे हुआ, तो कहीं ना कहीं आप उसका रीजन अगर आप ढूंढेंगे तो यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं पर डिस्टर्ब हुई है, तभी कंक्रीट पेमेंट फेल होगा, अदरवाइज कोई चांस फेल्योर होने का है नहीं। तो अपने आप पानी की एंट्री उसमें आ जाएगी, तो वहां पर थोड़ा अगर तो उसको थोड़ा हायर, उसका मैग्मेंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया में तो सबसे बड़ी प्रिकॉशन है, अगर पानी भरा हुआ है फिर आपने जो भी ट्रीटमेंट किया हो, जैसे इंदौर बाईपास का फेल्योर बताते हैं, इंदौर बाईपास में 1.5 मीटर तक की सॉयल को रिप्लेस किया गया था, बहुत अच्छी मुरम से इसको फिल किया गया, उसके ऊपर फिर GSB की लेयर भी थी, उसके ऊपर WMM की लेयर भी थी, DLC 15 सेंटीमीटर भी थी और 32 सेंटीमीटर की PQC थी। इतनी थिकनेस देने के बावजूद भी वहां पर कुछ फेल्योर, सारे नहीं मैं कहूंगा, कुछ फेल्योर ब्लैक कॉटन सॉयल को
उनका रीजन बताया जाता है। क्यों? वहां पे जो दो कैरेज वे बने, दो लेन इधर दो लेन इधर, बीच में जो मीडियन का पोर्शन था वो करीब करीब 10-12 मीटर चौड़ा था और वो डिप्रेस्ड था, उसमें एक तरह का सॉसर टाइप बना हुआ था कि सारा का सारा बारिश का पानी उसमें कलेक्टेड रहता था। बरसात के दिनों में जो पानी भरता है वो मीडियन में भरा रहता था, एक पॉन्ड जैसा पूरी मीडियन में पानी रहता था, वो पानी सारा का सारा नीचे सेटल होकर के उसने उसमें डिस्टर्बेंस किया। तो आप सारे ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी अगर पानी स्टैंड कर रहा है, पानी की कंटिन्यूस एंट्री बनी हुई है, तो फिर ब्लैक कॉटन सॉयल में कोई भी किया हुआ ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। हाँ, मैं बताता हूं, जो यूनिफॉर्मिटी वाली जो कंडीशन थी, तो जो सबग्रेड मड पंपिंग हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हुआ, स्लैब फेल हो गई। उसके बाद क्या शुरुआत की कि WBM की लेयर डालना शुरू किया, तो सबग्रेड के ऊपर WBM की लेयर आ गई, पानी अगर जॉइंट के आया भी तो WBM पर रहेगा, नीचे सबग्रेड तक नहीं जाएगा। WBM ने काफी हद तक उस सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया, जो मड पंपिंग वाली प्रॉब्लम थी उसको काफी हद तक कंट्रोल कर दिया, लेकिन टोटली एलिमिनेट नहीं किया। क्यों? WBM लेयर में भी थोड़ा बहुत हम जो मटेरियल स्क्रीनिंग वगैरह डालते हैं, अक्सर सॉयल किसी भी तरह की डाल सकते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत कॉर्नर्स के आसपास इरोजन हो सकता है, थोड़ा सेटलमेंट हो सकता है, थोड़ा नॉन यूनिफॉर्मिटी आ सकती है, तो उससे बेहतर लेयर की तरफ फिर जाया जाने लगा। DLC एक कॉन्क्रीट की लेयर है, रिजिड लेयर है। कॉन्क्रीट की लेयर की भूमिका मेन ये रहती है कि जो यूनिफॉर्म सपोर्ट देने वाली कंडीशन रहती है, एक नॉन इरोडेबल सब बेस है, जिसमें अगर पानी चला भी जाए तो उसमें इरोजन नहीं होगा, किस तरह की कोई मड पंपिंग नहीं होगी, एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ सपोर्ट बनी रहती है। तो DLC को WBM या WMM से एक बेहतर लेयर इसीलिए माना जाता है कि उसमें वो इरोजन फ्री लेयर है। इसलिए इंडियन हाईवेज में जो भी कॉन्क्रीट हाईवेज हमने इंडिया में बनाए हैं, उनमें ज़्यादातर जगह DLC का सब बेस डाला जाता है, सभी DLC के सब बेस से बने हैं। लेकिन ब्लैक कॉटन सॉयल वाली चीज़ों को DLC रोक पाए ऐसा बिल्कुल नहीं है, उस चीज़ को आपको उसी ढंग से टैकल करना पड़ेगा। तो DLC का मतलब कंस्ट्रक्शन मशीनरी को एक अच्छा सपोर्ट दे देती है और यूनिफॉर्मिटी को इम्प्रूव करती है, DLC का फंक्शन ये है। तो आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी सर, हाँ जी, क्या सूप जी जी, अब रिपेयरिंग का है, अब रिपेयरिंग का है, क्योंकि वे हो गए, उसका रिपेयरिंग का है, इसकी भी हम अभी रिपोर्ट देंगे, उसका रिपोर्टिंग उसमें डालेंगे। अगर लॉन्ग टर्म क्रैकिंग आता है तो क्रॉस स्टिचिंग की जाती है, अगर आपने जल्दी ध्यान दे लिया, क्रैक जो होगा पहले इनिशियली थोड़ी एमएम का होगा, धीरे धीरे वो वाइडनिंग होती जाएगी। अगर अभी क्रैक डेवलप हुआ है, उसको आपने तभी ध्यान दे लिया, तो उसकी क्रॉस स्टिचिंग कुछ जगह पर की भी थी मेरे ख्याल से, एक्सपेरिमेंटली एक दो स्लैब में किया था, तो क्रॉस स्टिचिंग तुरंत कर दीजिए। अगर आपने तुरंत नहीं किया, धीरे धीरे वाइडनिंग होती जाएगी, दोबारा आ रहा है, जैसे कुछ जगह किया, अगेन इट इज कमिंग अप। नहीं, क्रॉस स्टिचिंग का मतलब क्रैक को रोकना नहीं है, क्रॉस स्टिचिंग का मतलब है जो क्रैक हो गया है उसको वाइडन नहीं होने देगा, उसको टाइट स्टिच करके रखेगा। तो क्रॉस स्टिचिंग कर दें, अगर वो ज्वाइंट ज्यादा खुल गया है, आपने कुछ ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, फिर उसमें स्टेपल पिनिंग की जाती है, मतलब टाई बार की तरह से स्टेपल पिन उसमें स्लॉट काटा जाता है और हुक शेप के स्टेपल पिनिंग उसके अंदर डाली जाती है, रेस्ट ऑफ द स्पेस को आप इपॉक्सी सैंड के मोर्टार से भर देते हैं, ऐसा कई जगह पर किया भी जा चुका है। तो स्टेपल पिनिंग और क्रॉस स्टिचिंग, यही दो तरीके हैं लॉन्ग टर्म क्रैकिंग को रिपेयर करने के लिए। भरना नहीं, यहाँ पर स्टिचिंग की है, ये थोड़ा डिफरेंट मेथोडोलॉजी है, इसमें टायर रॉड्स डाल करके क्रॉस स्टिच किया जाता है। तो कंटिन्यूअस क्रैक हाँ, उसका भी पिछले साल हम लोगों ने कोड बनाया था, हाँ पेवर यही रहते हैं, सेम पेवर उसमें यूज किया जाता है, उसमें पहले रिइंफोर्समेंट लगा दिया जाता है, सेम पेवर से फिर लेइंग कर दी जाती है, उसके लिए कोई स्पेशलाइज पेवर नहीं होता, नहीं सेम प्रोसीजर है, सब कुछ सेम है,
सिर्फ रिइंफोर्समेंट उसमें पहले से इंस्टॉल कर दिया जाता है और फिर इन्हीं पेवर को यूज करते हुए वैसे ही कॉन्क्रीट को यूज करते हुए ले कर दिया जाता है। सर मेरा सवाल ये है, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, उसमें रहता है इस तरह का मॉडिफिकेशन, पेवर में पेवर यही रहता है, थोड़ा उसके वाइब्रेटर्स को ऊपर कर दिया जाता है, ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है, अदरवाइज पेवर यही है। क्योंकि रीइंफोर्समेंट जो होता है वो न्यूट्रल एक्सिस पर होता है, तो आप कॉन्क्रीट का स्लम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और वाइब्रेटर्स को ऊपर कर देंगे ताकि वो वेल कॉम्पैक्शन हो जाता है, पेवर यही रहता है। हाँ जी, पंपिंग ऑफ कॉन्क्रीट में फिर आपको यह है कि बाद में स्लिप फॉर्म पेवर आप नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि अगर कॉन्क्रीट पंप कर रहे हैं इसका मतलब स्लम बहुत ज्यादा है, और स्लम ज्यादा रहेगा तो फॉर्म वर्क लगाना पड़ेगा, स्लिप फॉर्म कर दे तो सारी एजेस ढह जाएंगी, तो स्लिप फॉर्म पेवर के साथ आप पंप वाली कॉन्क्रीट यूज नहीं कर सकते, उसमें वही स्लम 20-25 mm का ही रखना पड़ता है। सर मेरा सवाल एक और है सर, सर एक मिनट बस, ये सर अपना जैसे बिलासपुर रोड बना हुआ है, ये इसको दो पार्ट में बनाया, पहले एक पार्ट बनाया फिर दूसरा पार्ट बनाया, GSB करने के बाद या सब बेस या सब ग्रेड करने के बाद एक तरफ हमने ट्रैफिक छोड़ दिया फिर दूसरी तरफ हमने GSB वगैरह डाला उसको बनाया, तो क्या ट्रैफिक छोड़ने के बाद GSB डिजाइन तो नहीं है फुल लोड के लिए, फुल ट्रैफिक के लिए, तो अपना PQC डालने के पहले ही अगर GSB क्रैक हो गया होगा तो उसके कारण क्रैक आए होंगे, ऐसा संभव नहीं है क्या सर? अगर देखिए, अगर आपने GSP वगैरह या DLC लेयर डाल दी है उसके और आपने ट्रैफिक ओपन कर दिया है और ट्रैफिक काफ़ी हैवी और लंबे समय तक चल गया है, तो ये पॉसिबल है कि GSP और DLC में ऑलरेडी क्रैक आ जाए। मैं आपको अभी फोटोग्राफ नहीं दिखा सकता, अभी मैं 20 दिन पहले इस दिल्ली मथुरा रोड में जो वाइडनिंग वाला, मैं आप सभी की इच्छाओं का जो आप प्रश्न, ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत केयरफुली इस लेक्चर को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अभी बहुत सारा ज्ञान हमको लेना है सर से, तो अपने प्रश्नों को आप लिख के रखिए और इस सत्र के सबसे आखिरी में, आज प्रशिक्षण के आखिरी सत्र में एक सत्र पूरा रखा है प्रश्नोत्तर के लिए, हमारे विद्वान वक्तागण यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने प्रश्नों को, जो भी आपके मन में प्रश्न आते हैं अपनी कॉपी में लिख लीजिए और हम आखिरी में प्रश्नोत्तर के सत्र में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अन्यथा हमारे पास, हमको जो ज्ञान आपसे प्राप्त करना है वो हम उससे वंचित रह जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस प्रशिक्षण सत्र में प्रेजेंटेशन के दौरान प्रश्नों को ना करें। तो ये संभव है जैसा आपने पूछा था उसका जवाब देता चलूं, ये संभव है कि जब आपने ट्रैफिक ओपन कर दिया GSB के ऊपर और DLC के ऊपर, वो क्रैकिंग उसी में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी में पता चल जाता है। एक जो जगह पर हुआ ऐसे ही कि जहाँ पर ऑलरेडी क्रैकिंग हो जाती हो गई थी DLC में, GSB में, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऊपर PQC बना दी, तो वो क्रैक फिर ऊपर भी रिफ्लेक्ट धीरे धीरे हो जाता है। ये संभव है, अगर आप क्रैकिंग देख ले पहले ही तो थोड़ा सावधान हो जाइए। तो बेस और सब बेस लेयर्स की इंपॉर्टेंस, यूनिफॉर्म और स्टेबल सपोर्ट देना भर है, उनका लोड बेयरिंग में कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें समझना होगा कि यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। अगर ये बनी रहेगी तो फिर समझ लीजिए कि कॉन्क्रीट पेवमेंट को कोई हिला नहीं सकता, फिर तो वो 25-30 साल के बजाय 40-50 साल तक चलना ही चलना है। अब आते हैं मेन PQC लेयर के ऊपर, जो टॉप लेयर है, जिसको लोड बेयरिंग लेयर की तरह से भी काम करना है, सारा का सारा लोड बेंडिंग की वजह से स्लैब को झेलना भी है और साथ में एक वेयरिंग लेयर का भी काम करते हैं। बिटुमिनस के केस में BC एक वेयरिंग लेयर का काम करते हैं, नीचे वाले लेयर लोड बेयरिंग लेयर का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोड बेयरिंग लेयर और वेयरिंग लेयर दोनों का काम इसको करना है, तो इसकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपने किए हैं या आगे करने वाले हैं, उसमें कॉन्क्रीट की क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है, तो वियरिंग लेयर की रिक्वायरमेंट और लोड बियरिंग की रिक्वायरमेंट, इन दोनों रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि कंक्रीट, जिसका कंक्रीट पेमेंट बनना है उसका मिनिमम ग्रेड M40 होना चाहिए। M40 ग्रेड की कंक्रीट ही वियरिंग रिक्वायरमेंट को और स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट को दोनों को फुलफिल कर देती है। अगर आप M40 ग्रेड से नीचे का काम, नीचे का कोई भी ग्रेड यूज करते हैं, तब उसमें स्ट्रक्चरली कमी आए या ना आए, लेकिन जो वेयरिंग लेयर की रिक्वायरमेंट होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है।
बॉटम लाइन M35 है, M35 से नीचे कोई भी कॉन्क्रीट पेमेंट बनाया नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी एरिया में, रूरल में बनाए, सिटी में बनाए या नेशनल हाईवे बनाए। जितने भी नेशनल हाईवे सीसी का काम हुआ है उनमें सभी जगह M40 ग्रेड की कॉन्क्रीट का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर जो आपने यूज़ किया था ये शायद M35 ग्रेड था, मेरे ख्याल से आप बॉटम लाइन की साइड में बेहतर होता कि इसको M40 करते और आगे जो भी आप बनाएं उसमें कम से कम M40 ग्रेड की कॉन्क्रीट का इस्तेमाल जरूर करें। सिटी के कंडीशंस में अगर आप हाई टॉपिंग कर रहे हैं तो वहां पर तो ग्रेड M50 M55 तक भी रखा जाता है ताकि अर्ली ओपनिंग ऑफ ट्रैफिक पॉसिबल हो सके, उसकी 3-4 दिन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि ट्रैफिक को झेलने लायक हो जाए, तो उस केस में हम हायर ग्रेड की तरफ जाते हैं। लेकिन किसी भी तरह से M40 से ग्रेड कम नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं ज्वाइंट्स की तरफ। कॉन्क्रीट पेमेंट में ट्रांसवर्स ज्वाइंट और लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट दोनों तरह के ज्वाइंट दिए जाते हैं। ट्रांसवर्स ज्वाइंट इसलिए दिए जाते हैं, अगर आप ज्वाइंट नहीं देंगे और पहले जैसे किसी को मालूम भी नहीं होता था कि ज्वाइंट क्यों देने हैं, कॉन्क्रीट श्रिंक करती है, श्रिंक की वजह से क्रैकिंग होती है, तो उन क्रैकिंग की लोकेशंस को डिफाइन करने के लिए आप ज्वाइंट सॉकेट डाल देते हैं। आपने जैसे कंटीन्यूअस स्ट्रेच कॉन्क्रीट का बनाया, हर 4.5-4 मीटर पर टॉप का 1/3 पार्ट एक सॉइंग मशीन से काट देते हैं। जहां जहां पर आपने कट लगाया जब कंक्रीट श्रिंक करेगी तो उसी के नीचे क्रैक आ जाते हैं, क्योंकि कटिंग का मतलब है एक वीकनेस को इंट्रोड्यूस कर देना। जहां जहां पर आपने कट लगाया कंक्रीट का सेक्शन वहां पे कमजोर हो गया, और जब क्रैकिंग होगी तो कमजोर सेक्शन पे सबसे पहले होगी, तो उस कट के नीचे क्रैक अपने आप डेवलप हो जाता है। इमिडिएटली नहीं होता, कुछ क्रैक्स जो हैं विद इन 20 डेज आ जाएंगे, कुछ 3 महीने लगेंगे, कुछ को 6 महीने लगेंगे, और कोई कोई क्रैक पूरी लाइफ भी नहीं आ पाता। लेकिन वो कॉन्क्रीट का अपना बिहेवियर है कि उसको कहाँ पर कैसे कैसे क्रैक होना है। सॉकेट इसीलिए लगाए जाते हैं कि उनमें ज़्यादातर के नीचे क्रैक आ जाते हैं। और स्लैब का साइज 4.5, एक लेन की विड्थ हमारे यहाँ चूँकि 3.5 मीटर है, तो नॉर्मल स्लैब का साइज 3.5 की विड्थ और 4.5 का लेंथ, ये पैनल साइज नॉर्मली रखा जाता है। लेकिन मैक्सिमम कोई भी लेंथ, कोई भी साइज 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 मीटर से जैसे साइज बड़ा होता है, कर्लिंग स्ट्रेसेस जो टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेसेस आते हैं वो बढ़ने लगते हैं, और पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ हेयर एंड देयर कुछ स्लैब्स क्रैक हो सकते हैं, सारी नहीं होंगी बट कुछ हेयर एंड देयर टाइम के साथ साथ ट्रांसवर्स क्रैक हो सकती हैं अगर आपका स्लैब का साइज थोड़ा बड़ा हो। तो नॉर्मल साइज 3.5x 4.5 रखा जाता है। नीचे आप कहीं भी आ सकते हैं, नीचे तो ICBB कॉन्क्रीट ब्लॉक होता है ना, वो भी तो कॉन्क्रीट का ही बना हुआ है, वो भी M40 ग्रेड का बना हुआ होता है लेकिन साइज छोटा सा है, तो छोटे के साइज के पर आप कहीं भी आ जा सकते हैं। जो वाइट टॉपिंग की बात जो मैं कर रहा था जो कुछ सिटीज में हुई है उसमें पैनल साइज 1 मीटर x 1 मीटर का रखा जा सकता है, तो पैनल साइज जितना छोटा होगा वो सेफर साइड में होगा। थोड़ा फर्क क्या पड़ता है कि आपको सॉकेट ज़्यादा करने पड़ेंगे, आपका ब्लेड ज़्यादा घिसेगा, आपको थोड़ा सा अगर सील कर रहे हैं तो सीलिंग में भी ज़्यादा खर्च होगा। हाईवे पेमेंट्स के ऊपर 3.5x 4.5 का पैनल साइज रखा जाता है, लेकिन 5 मीटर x 5 मीटर के बीच में इसके नीचे नीचे स्लैब का साइज कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ साइट। साइट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से स्लैब का साइज, ज्वाइंट की लोकेशंस, किस किस लोकेशन पर ज्वाइंट आना है, ये सारी डिसाइड साइट की कंडीशंस के आधार पर की जाती है। अगर आपका 2 लेन का पेमेंट है, 3 लेन का पेमेंट है, तो 1 लेन अगर 3.5 की हुई तो 2 लेन 7-7.5 मीटर की, 3 लेन 10.5 मीटर की हुई तो उसमें हर 3.5 मीटर पर लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट दिया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट की लोकेशन लेन मार्किंग से मैच करनी चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो यही है, जैसे हमारे यहाँ लेन मार्किंग 3.5 मीटर मानी जाती है, तो 3.5 मीटर पर आप लेन मार्किंग डालेंगे, ट्रक वाला जो चलेगा वो लेन मार्किंग को देखता है, वो कॉन्क्रीट पेमेंट के ज्वाइंट को नहीं देखता है। तो आइडियली लेन मार्किंग और ज्वाइंट लॉन्गिट्यूडनल मैच करने चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर पाते, आपकी साइड की कंडीशन ऐसे है तो नहीं मैच कर रहे, आपको बिगर पैनल साइज रखा जाना रख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेन मार्किंग और ज्वाइंट मैच नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साइज की कंडीशंस के हिसाब से अपना पैनल साइज 5 मीटर के नीचे नीचे कुछ भी फिक्स कर सकते हैं। डबल बार्स, डबल बार का इस्तेमाल लोड ट्रांसफर के लिए किया जाता है। हर ट्रांसफर ज्वाइंट के ऊपर डबल बार डाली जाती है ताकि जैसी लोड, हैवी एक्सल लोड ज्वाइंट के पास आए, जैसे यहां पर आए, तो इसका आधा हिस्सा अगली स्लैब को
ट्रांसफर हो जाए, उस लोड को दोनों स्लैब आपस में मिल करके बियर कर रही हैं। अगर डबल बार नहीं डालेंगे, एक्सल लोड हैवी है तो कॉर्नर्स के क्रैकिंग की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि सारा का सारा लोड एक ही कॉर्नर पर आ जाएगा। अगर डबल बार है तो आधा लोड दूसरे कॉर्नर पर स्लैब के चला जाएगा, तो बट जाता है। डबल बार की लेंथ क्या होनी चाहिए, डाया क्या होना चाहिए, स्पेसिंग क्या होना चाहिए, ये एक डिज़ाइन का इश्यू है। लेकिन जो भी हैवी लोड्स हैं, उन हैवी लोड्स को कंसिडर करते हुए डबल बार का डिज़ाइन किया जाता है। जैसे अभी मैं एक वो कहाँ का ये पेमेंट है जो कहाँ कवर्धा टू हाँ शिमगा, इस पेमेंट का अभी मैं डिज़ाइन डिस्कस कर रहा था, तो डबल बार की स्पेसिंग ज़्यादा दी हुई है एज पर डिज़ाइन, वो डबल बार की स्पेसिंग थोड़ा क्लोज़र होगी। अच्छा है कि आपने पहले उसको 300 mm की उस पर डाल रहे हैं, बेटर है, इसी के आसपास स्पेसिंग आएगी। 500 की स्पेसिंग जैसी डिज़ाइन में दी है ऐसा नहीं आएगा। इसमें हैवी एक्सल लोड्स को कंसिडर करके डिज़ाइन की स्पेसिंग निकाली जाती है। अब टाई बार का इश्यू, टाई बार लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के दोनों तरफ जो दो स्लैब्स हैं, उन दोनों स्लैब्स को आपस में बांधना टाई बार का काम है। अगर आप नहीं बांधेंगे तो जब ट्रैफिक मूवमेंट होगा तो दोनों स्लैब एक दूसरे से दूर ऐसे डिस्प्लेस हो जाते हैं, बीच का जॉइंट खुल जाता है। या यूं समझिए लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग अगर हुआ, वहां पर टाई बार नहीं है, बस ये तो डिफेक्ट है, टाई बार वहां पर नहीं है, तो वो जॉइंट धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है, खुलता जाता है। इसीलिए उसके रिपेयरिंग में वहां पर स्टेपल पिनिंग, स्टेपल पिनिंग का मतलब भी वो टाई बार लगाना है, रेट्रोफिटिंग ऑफ टाई बार ही स्टेपल पिनिंग एक तरह से है। तो जब आप स्टेपल पिनिंग कर देंगे तो उसका चौड़ा होना रुक जाएगा। ऐसी हर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के ऊपर टाई बार डालना जरूरी है। कुछ प्रोजेक्ट जैसे सिटी के अंदर हैं, जहाँ पर हैवी एक्सल लोड नहीं है, कारें हैं, बसेस हैं, ऐसा आप सीसी का ओवरले डालने जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप डबल बार डालें, आप डबल बार को ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि हैवी लोड्स हैं ही नहीं, लोड ट्रांसफर करना डबल बार का काम है। जब लोड ही नहीं है तो आप डबल बार भी मत डालिए, लेकिन अगर दो लेन है, तीन लेन है, चार लेन है, तो उनके बीच में टाई बार डालना जरूरी है, ताकि वो दोनों को बांध करके रखें। तो ये थे वो सारे कंपोनेंट्स, और इसके बाद में ये बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सबग्रेड, वो यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी। सेटलमेंट क्या होता है? अगर सबग्रेड सेटल कर गया, एम्बेंगमेंट सेटल कर गया, जीएसबी, डब्ल्यूएमएम, डब्ल्यूएमई सारी सेटल करेंगे, और सेटलमेंट का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ सपोर्ट खत्म हो गई, तो पेमेंट आपका प्रीमेच्योर फेल्योर हो सकता है। तो ड्रेनेज की लेयर, जीएसबी कम ड्रेनेज लेयर, इसके सारे स्पेसिफिकेशंस एमएसटी गाइडलाइंस में है, जिसका पर्पज ही ड्रेनेज का है, अपनी सबग्रेड की लेयर को प्रोटेक्ट करना है। ड्राई लाइन कॉन्क्रीट के सबबेसिस, ये मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी को रखने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं, कंस्ट्रक्शन मशीन को भी हेल्प करते हैं, इसलिए डीएलसी के सब बेसिस डाले जाते हैं। मिनिमम थिकनेस रखी जाती है 75 mm, फिर 100 mm और फिर 150 mm। मेरे ख्याल से इधर एक स्टेज में 200 mm की डीएलसी डाली गई है, ये रिक्वायर्ड नहीं था, उसमें आप थोड़ा सा सेविंग कर सकते थे। नेशनल हाईवेज के ऊपर भी डीएलसी 150 तक, अगर आप उसको बढ़ाएंगे उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपकी थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगी। तो मैक्सिमम थिकनेस डीएलसी की 150 रखिए, नेशनल हाईवे जैसी रोड पर, स्टेट हाईवे रोड पर 150, सिटी जैसी कंडीशन है उसमें आप 100, अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है डीएलसी लेयर डालने की, कोई लेवलिंग लेयर है या प्रोफाइल करेक्शन वाली लेयर है, अगर वहां पर आप डीएलसी डालते हैं तो 100 mm रख सकते हैं। रूरल एरियाज में अगर आप डीएलसी डालने की जरूरत महसूस करते हैं तो वहां पर 75 mm की थिकनेस रखी जा सकती है, लेकिन नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे जैसी रोड पर या एमडीआर की रोड्स पर, जहां पर आप एक 28-30 cm की पिक्सी डालने जा रहे हैं, उनके ऊपर आप 150 mm से ज़्यादा की डीएलसी ना डालें। डीएलसी को 7 दिन तक क्योर करें, और कोशिश करिए कि डीएलसी के ऊपर ट्रैफिक ना चले, डीएलसी को क्योर करके उसके ऊपर फिर आप पीक्यूसी की लेयर डाल दें। डीएलसी की लेयर में अगर आपने 7 दिन से ज़्यादा तक उसको एक्सपोज कंडीशन में रखा, तो कहीं कहीं पर आपको दिखेगा कि उसमें क्रैक आ जाते हैं, ट्रांसवर्स क्रैक आ जाते हैं, उनसे मत घबराइए। डीएलसी में हर कंक्रीट में क्रैक आता है, डीएलसी में भी आएगा, पीक्यूसी में भी आएगा। पीक्यूसी में चूंकि हम सॉकेट कर देते हैं तो क्रैक उनके नीचे दब जाता है, लेकिन डीएलसी में सॉकेट करते नहीं, वो क्रैक सरफेस पर दिखाई दे जाता है। तो डीएलसी में अगर कहीं पर 10-12-15 meters पर कोई क्रैकिंग आता है तो उससे मत घबराइए, उसके ऊपर पॉलिथीन शीट डालिए और फिर
PQC डाल दीजिए। पॉलिथीन सीट का क्या इश्यू है? पॉलिथीन सीट वहीं पर डाली जाती है जहां पर DLC की सब बेस लेयर हो। DLC को और PQC को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए पॉलिथीन की सेपरेशन लेयर डाली जाती है। लॉजिक ये है, ये माना जाता है कि अगर DLC में भी सीमेंट है और PQC में भी सीमेंट है, एक सीमेंटिशियस लेयर को जब दूसरी सीमेंटिशियस लेयर के ऊपर डाला जाता है तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग, परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं लेकिन पार्शियल बॉन्डिंग जैसी सिचुएशन हो जाती है। पार्शियल बॉन्डिंग से क्या होगा कि नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर जब टेम्परेचर राइज होता है फ्रीली एक्सपेंड नहीं कर पाती। PQC DLC से अटैच नीचे रहती है तो PQC का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नीचे वाली DLC की लेयर हिंड्रेंस करती है, उसमें बाधा डालती है, तो कहीं कहीं पर PQC में क्रैकिंग आने की पॉसिबिलिटी रहती है अगर वो DLC से बॉन्डेड रहे। इसलिए DLC को सेपरेट करने के लिए PQC से एक पॉलिथीन सीट 125 माइक्रोन की पॉलिथीन सीट डाली जाती है, अक्सर या तो लाइट ग्रे, लाइट ग्रीन या वाइट कलर इस तरह का रखा जाता है। ब्लैक को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्योंकि समर सीजन में वो ब्लैक कलर थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, जो बाद में PQC को आप डालेंगे उसमें थोड़ा बहुत असर डाल सकता है, हालांकि इतना क्रिटिकल नहीं है, ब्लैक भी चल जाती है, इतना कोई ज़्यादा क्रिटिकल पैरामीटर नहीं है, बट फिर भी कोशिश करिए कि लाइट कलर की आप ये पॉलिथीन सीट PQC और DLC के बीच में एज ए सेपरेशन लेयर डाल दें। अब अगर DLC की सब बेस नहीं है, जैसे WBM है या WMM है या GSB के आप सीधा ऊपर PQC डालने जा रहे हैं, तब सेपरेशन लेयर की जरूरत नहीं है, टेक्निकली जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी डाल रहे हैं नुकसान कुछ नहीं है, ज़्यादा पैसा आपका थोड़ा सा लगेगा, लेकिन टेक्निकली रिक्वायरमेंट सेपरेशन लेयर की तभी है जब PQC को आप DLC के सीधा ऊपर डालेंगे। अगर नीचे DLC की सब बेस लेयर नहीं है, कोई और लेयर है, WBM की लेयर है, WMM की लेयर है या GSB की लेयर है या कोई बिटुमिन एग्जिस्टिंग लेयर है, DBM है, BM है या BC है, अगर ये लेयर्स हैं इनके ऊपर अगर आप PQC डाल रहे हैं तो सेपरेशन मेम्ब्रेन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। PQC की रिक्वायरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैंने आपको बताया कि टॉप वाली लेयर PQC को ही वेयरिंग लेयर का भी काम करना पड़ता है और लोड बेयरिंग लेयर का भी काम। वेयरिंग लेयर की रिक्वायरमेंट क्या है? CC के ऊपर जब गाड़ियां चलती हैं तो सरफेस पर एब्रेजन होता है, एब्रेजन रेजिस्टेंस कंक्रीट का बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना कि गाड़ियां जब उसके ऊपर से चले सरफेस खराब हो जाए, मोटर अलग हो जाए और एग्रीगेट निकलने लगे। अगर सरफेस के ऊपर एब्रेजन हो गया तो राइडिंग क्वालिटी बहुत बैडली सफर करती है। किसी भी कंक्रीट पेमेंट के ऊपर एब्रेजन सरफेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, और एब्रेजन का सीधा रिलेशन कंक्रीट के ग्रेड से है। अगर कंक्रीट का ग्रेड M30 से नीचे हो तो उसके ऊपर जैसे ही ट्रैफिक चलेगा उसके सरफेस का एब्रेजन होने लगेगा, और ये एक ऐसी चीज है जिसको हम बहुत सारी जगह देख रहे हैं। लोग CC पेमेंट तो बना रहे हैं लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि उस कंक्रीट का एब्रेजन रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। पुअर क्वालिटी की कंक्रीट M20 की, M15 की, M25 की कंक्रीट इस्तेमाल करके ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ऊपर का सरफेस खराब हो जाता है, और जब सब ऊपर का सरफेस खराब, क्रैकिंग नहीं होगा क्योंकि M20 M25 की कंक्रीट अभी भी स्ट्रक्चरली स्ट्रांग हो सकती है, वो फैटिक का क्राइटेरिया जिसके आधार पर डिजाइन किया जाता है वो अभी भी फुलफिल हो रहा होगा, लेकिन जो दूसरे वाला फंक्शन है, जो वियरिंग लेयर का फंक्शन है, वो खराब हो जाता है। तो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि पुअर क्वालिटी की कंक्रीट आपका वियरिंग लेयर की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करती हो। इन दोनों रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते ही मिनिमम ग्रेड M40 रखा जाता है। M40 की कंक्रीट फटीग वाले क्राइटेरिया को भी मीट करती है, मतलब फटीग क्रैकिंग नहीं होगी 25-30 साल तक, जिसको मैंने बताया एक्चुअल में 40-50 साल तक होगी, और दूसरा सरफेस का जो एब्रेजन रेजिस्टेंस है वो भी बहुत अच्छा होगा, उसके ऊपर एब्रेजन कभी नहीं होगा और सरफेस के ऊपर क्वालिटी, आपकी राइडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। जहां पर आप पुअर क्वालिटी की कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं और एब्रेजन हो जाता है, फिर उसका इलाज ढूंढा जाता है कि अब इसका क्या करें, उसका फिर कोई इलाज नहीं है क्योंकि कंक्रीट के ऊपर दूसरा कंक्रीट ओवरले डालेंगे तो कभी भी बॉन्डेड नहीं होता परफेक्टली। बहुत सारे जगह इंजीनियर्स हमारे पास आते हैं, साहब हमने M20 की कंक्रीट डाली थी, क्रैकिंग तो कहीं नहीं है पर सरफेस खराब हो गया, क्या उसके ऊपर हम 2-5 सेंटीमीटर के थिकनेस का कंक्रीट ओवरले डाल दें? मैंने कहा कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आपने 5-7 सेंटीमीटर का डाल भी दिया, गाड़ी चलने पे वो पापड़ की तरह से सारा का सारा
क्रैक होकर के हट जाएगा, क्योंकि नई कॉन्क्रीट और पुरानी कॉन्क्रीट में कभी भी परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं होती। बिटुमिन में हो सकता है, बिटुमिन की आपने एक लेयर डाली, दूसरी बिटुमिन की लेयर डाल देंगे, वो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, कॉन्क्रीट में नहीं होता। तो कॉन्क्रीट में सारा का सारा ध्यान शुरुआत में रखा जाता है, ग्रेड अच्छा रखें, एब्रेजन सरफेस के ऊपर नहीं होगा। अगर हो जाए सरफेस के ऊपर एब्रेजन, क्योंकि आपने पुअर क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट इस्तेमाल की है, फिर या तो उसको एज ए सब बेस इस्तेमाल करें, उसके ऊपर फ्रेश कॉन्क्रीट का उतनी थिकनेस का ओवरले प्रॉपर कॉन्क्रीट की ग्रेड का डालें, जो बड़ा कॉस्टली है, या फिर उसके ऊपर बिटुमिनस ओवरले डाल दें, क्योंकि सरफेस ही तो खराब हुआ है। राइडिंग क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आप बीसी के लिए डाल सकते हैं, मास्टिक एसफॉल्ट डाल सकते हैं, ताकि सरफेस की राइडिंग क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। ओवरऑल तो अभी बेस स्ट्रांग तो है ही, कॉन्क्रीट तो बड़ी स्ट्रांग है ही, कोई क्रैकिंग उसमें नहीं हुई है। तो इसलिए कोशिश करिए कि अगर आप कॉन्क्रीट पेमेंट बनाने जा रहे हैं, उसका ग्रेड किसी भी तरह से M35 से नीचे ना हो, और बेहतर यही होगा कि M40 ग्रेड का कॉन्क्रीट रखें, जो वेयरिंग लेयर की एब्रेजन रेजिस्टेंस वाली रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करेगा, और स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट की जो फटीग क्रैकिंग है उसकी रिक्वायरमेंट को भी। अगर आप जरूर करें, बड़े प्लेट के ऊपर तो सारा मिक्स डिजाइन किया जाता है, RMC का प्लांट लगा रहता है, उसमें वाटर सीमेंट रेशियो कंट्रोल रहता है, सारे कॉन्क्रीट पेमेंट के काम 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो पर किए जाते हैं, और 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो पर अच्छी वर्केबिलिटी लेने के लिए सुपर प्लास्टिसाइजर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, उसके बिना वर्केबिलिटी आएगी नहीं। अगर आपने सुपर प्लास्टिसाइजर यूज नहीं किया तो वर्केबिलिटी लाने के लिए आप उसमें पानी डालेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा, आपकी कॉन्क्रीट की क्वालिटी खराब होगी। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो भी मिक्स डिजाइन किया जाता है, या तो 0.38 रखा जाता है या 0.4 रखा जाता है, प्लस कोई भी अच्छा सा सुपर प्लास्टिसाइजर जिसकी डोज 0.8% या 1% या 1.2% ऑफ सीमेंट हो सकती है, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर आप लोकली छोटे मोटे कोई कहीं पर काम कर रहे हैं, कोई प्लांट नहीं लगा हुआ है, तो बेहतर है कि RMC लें और उसका वाटर सीमेंट रेशियो चेक करें कि 0.4 से तो ज़्यादा नहीं है। अगर आप साइट मिक्सिंग भी कर रहे हैं तो उसमें कम से कम पानी की क्वांटिटी को चेक जरूर कर लें। जैसे अगर आप कहीं पर नॉमिनल मिक्स भी बनाने जा रहे हैं 1-2-4 का, आपके पास साइड का मिक्सर भी है, उसमें भी आप वाटर सीमेंट रेशियो को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप बॉक्स में भर भर के डाल दीजिए, लेकिन जितना सीमेंट एक बैग का, जैसे एक बैग 50 kg का होता है, 50 kg के 0.4 वाटर सीमेंट के हिसाब से पानी कितना हुआ, 20 लीटर। 20 लीटर पानी डालिए प्लस 1%, 1% मतलब 500 ग्राम, 50 kg सीमेंट का 1%, 500 ग्राम, तो एक बैग सीमेंट के साथ आधा लीटर सुपर प्लास्टिसाइजर जरूर डाल लीजिए। आपकी वही कंक्रीट जो 1-2-4 में नॉमिनल मिक्स में M15 थी, आप देखेंगे कि वो अपने आप बढ़ करके करीब करीब M25-M30 पर पहुंच जाएगी, अगर आप 1-2-4 का मिक्स रखते हैं और वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 रखते हैं। तो 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो का कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, और जब भी आप काम करें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात के ऊपर रखें कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या जा रहा है। स्लम्प की रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है, अगर आप स्लिप ऑन पेवर से काम कर रहे हैं तो स्लम्प 20-25 से ज़्यादा चलेगा ही नहीं, अगर इससे ज़्यादा स्लम्प होगा तो जैसे ही पेवर आगे बढ़ेगा पीछे की एजेस ढहती हुई जाएंगी, तो उसमें तो मजबूरी है कि आपका स्लम्प 20-25 mm से ज़्यादा नहीं होता। कहीं पर आप अगर आप फिक्स फॉर्म से काम कर रहे हो, मैनुअली काम कर रहे हो, फॉर्म वर्क लगा करके काम कर रहे हो, तो उसमें स्लम्प थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, 50-60 mm तक का स्लम्प उसमें चल जाता है, क्योंकि एक दिन तक फॉर्म वर्क रहेगा, नेक्स्ट डे आप उसको रिमूव करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा स्लम्प जा रहा है, फिर उसको ये देखना बनता है कि ये स्लम्प पानी की वजह से तो नहीं आ रहा है। अगर सुपर प्लास्टिसाइजर की डोज बढ़ा करके हाई स्लम्प लिया जाता है तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर पानी की डोज बढ़ा करके वाटर सीमेंट रेशियो को 0.4 से बियॉन्ड ले जा करके अगर आप स्लम्प बढ़ा रहे हैं तो वो बड़ा डेंजरस कॉन्क्रीट के लिए है। पानी इतना होना चाहिए कि वाटर सीमेंट रेशियो कभी भी 0.4 से ऊपर ना जाए। नीचे बेशक आप कितना भी ले आए, आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी सुपर प्लास्टिसाइजर है कि 0.3 अगर वाटर सीमेंट रेशियो रखेंगे, 0.3432 रखेंगे, उस पर भी आपको बड़ी अच्छी वर्केबिलिटी दे देंगे। तो जितना कम से कम पानी हो कंक्रीट की सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। छोटे कामों के लिए इसी तरह के मोबाइल मिक्सर्स अवेलेबल हैं, जिसमें वे बैचिंग फैसिलिटी है, वॉल्यूम बैचिंग से बचें, सब कुछ तोल तोल करके डालें, सैंड भी, सीमेंट भी, एग्रीगेट भी और पानी भी। और बड़े प्लांट्स अगर आप साइट पर लगे हुए तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, वहाँ पे तो RMC प्लांट में तो सब चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। लोड ट्रांसफ़र ये वही साइड है दिखाती है जो कि डॉल बार का फंक्शन क्या है। अगर डॉल बार नहीं है तो हर स्लैब के कॉर्नर का इंडिपेंडेंट डिफ्लेक्शन होता है, ये स्लैब इसको हिट भी करता है व्हील, ये कॉर्नर भी टूटते हैं। अगर डॉल बार है तो दोनों स्लैब
इकट्ठी नीचे डिफ्लेक्ट होती हैं और व्हील बड़े स्मूथली जॉइंट के ऊपर से चला जाता है। तो डॉल बार जहाँ पर हैवी एक्सल लोड्स हों डॉल बार जरूर डालनी चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन, अगर आपने अब तक की बातें समझ ली हैं तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन में आगे कुछ नहीं है। कंक्रीट का मिक्स अगर आपने ढंग से बना लिया तो फिर उसको कॉम्पैक्शन करना, फिनिशिंग करना और क्योरिंग करना तो किसी भी आम कंक्रीट के काम की तरह से। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट बन जाए, अच्छे तरह से डिज़ाइन हो जाए साइट की कंडीशंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए। अगर ये दो तीन चीज़ें फंडामेंटली आपने ध्यान रख लें शुरुआत में, फिर कोई भी प्रॉब्लम कंक्रीट पेमेंट में होगी नहीं। कंस्ट्रक्शन सेमी मैकेनाइज और फुल्ली मैकेनाइज दोनों तरीके से हो जाता है। सेमी मैकेनाइज ये है कि आप इक्विपमेंट्स लेकर के मैनुअल कंस्ट्रक्शन करेंगे, वाइब्रेटर्स रखेंगे और फिनिशिंग के इक्विपमेंट्स रखेंगे, टेक्सचरिंग वाले इक्विपमेंट्स रखेंगे, मैनुअली काम करेंगे। फुल्ली मैकेनाइज में यह है कि सारी ऑपरेशन कंक्रीट मिक्स बनाने से लेकर के उसको फैलाने तक की, कॉम्पैक्शन की, फिनिशिंग की, टेक्सचरिंग की, ये सारी ऑपरेशन जब एक पेवर में आ जाती है तो फुल्ली मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। टाई बार जब प्लेस करें तो अगर कर सकें तो बीच वाला पोर्शन थोड़ा बिटुमिन से पेंट कर दें, 15 सेंटीमीटर वाला बीच का पोर्शन, क्योंकि जॉइंट के थ्रू अगर पानी जाएगा तो इसी एरिया को अफेक्ट करेगा। हालांकि इतना ज़्यादा क्रिटिकल इशू नहीं है, अगर आप बिना पेंट के भी टाई बार लगा देते थे तो भी कोई बात नहीं, वो 25-30 साल तक कोरोजन होकर के टाई बार्स को कोई नुकसान नहीं होगा। बट बेहतर है कि अगर आप बीच में कोई भी बिटुमिन ही लगा दें या एंटी कोरोसिव पेंट लगा दें, ये अच्छा रहता है। और ये मैनुअल कंस्ट्रक्शन में तो पहले डॉल बार्स को फिक्स किया जाता है चेयर्स के ऊपर। अगर आप मैनुअल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो डॉल बार का प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंक्रीट रोड के कंस्ट्रक्शन में। बाकी सारी ऑपरेशन तो एक राजमिस्त्री भी करना जानता है कि कैसे कंपेक्शन का और फिनिशिंग करना है, लेकिन डॉल बार का इश्यू ऐसा है कि अगर उनका मिसअलाइनमेंट हुआ, हॉरिजॉन्टली को टेढ़ी मेढ़ी हो गई या ऊपर नीचे ऐसे हो गई, तो वो स्लैब के मूवमेंट को रोकती है और एक क्रैकिंग जॉइंट के आसपास आ जाता है। तो स्लैब जो भी डॉल बार्स हैं वो हमेशा सेंटर लाइन के पैरेलल होनी चाहिए और आपस में भी एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, यानी कि एक ऐसे है तो दूसरी ऐसे है, आपस में भी पैरेलल हो और सेंटर लाइन के रोड के भी पैरेलल प्लेस की जानी चाहिए। अगर आप उनको मैन्युअली प्लेस कर रहे हैं ऐसी चेयर पे चेयर बना करके, तो फिर ये चेयर भी बड़े ढंग से बनानी चाहिए। हाँ, ये जो चेयर्स हैं, चेयर्स बनाते वक्त ध्यान रखें कि डॉल बार्स आपकी सीधी रखी जा सकें, और इन चेयर का जो रिइंफोर्समेंट है उसको ऑलरेडी अपने एस्टीमेट में जरूर डालें, वरना बाद में ऐसा होता है कि कंट्रेक्टर कहता है कि साहब मेरा तो रिइंफोर्समेंट बहुत लग जाएगा चेयर बनाने में, मैं तो नहीं डालता, और फिर उल्टे सीधे तरीके अपनाता है, जैसे पहले कोंगी डाल देगा उसके ऊपर सीधा डॉल बार रख दे करके फिर ऊपर से कोंगीट में उनको दबा देगा। ये सारी प्रैक्टिस बड़ी ख़राब प्रैक्टिसेस हैं। तो पहले से ये सारा एस्टीमेट के अंदर आपके होना चाहिए कि चेयर्स बनाएंगे उसमें इतना रिइंफोर्समेंट काम आएगा। चेयर्स बनाने के लिए कम से कम 4 सरिये इस्तेमाल होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे इस साइड के 4, और 2 ऊपर 2 नीचे इस साइड के 4, 8, मतलब 8 सरिये कम से कम 12 mm या 14 mm के डाय के हों वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उनकी लेंथ जितनी भी होगी उसके हिसाब से आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। डॉल बार हमेशा प्लेन माइल्ड स्टील की होती हैं और 60% लेंथ उनकी प्लास्टिक ट्यूब से कवर्ड रहती है, ताकि जब वो एम्बेड हो जाएंगी तो प्लास्टिक शीथिंग उनका मूवमेंट को भी फैसिलिटेट करता है। वो बॉन्डेड नहीं होनी चाहिए दोनों स्लैब में, एक जॉइंट के ऊपर आधा हिस्सा बॉन्डेड होना चाहिए टाइप डॉल बार्स का और आधा हिस्सा अनबॉन्डेड, तो इसलिए ये प्लास्टिक ट्यूब्स जो हैं यूज़ की जाती हैं। और माइल्ड स्टील इसे रखा जाता है कि स्लीव के अंदर उनका अगर सरफेस रफ होगा टॉर स्टील जैसा तो मूवमेंट्स उसके अंदर जो सीट के अंदर स्मूथ नहीं हो पाएगा, इसलिए डॉल बार हमेशा प्लेन माइल्ड स्टील की रखी जाती हैं और प्लास्टिक शीथिंग से उसको कवर करते हैं। ये डॉल बार का मिसअलाइनमेंट है, ऐसा कभी नहीं चलेगा, जैसे ये इधर की आप कंक्रीट डालेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, इस जॉइंट के ऊपर मूवमेंट हो नहीं पाएगा क्योंकि ये सारी टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई है, तो फिर आपका जॉइंट में एक यहाँ पर क्रैक डेवलप हो सकता है। तो ऐसे जॉइंट के ऊपर कभी कभी पेवर से, हालांकि पेवर से माना जाता है कि डॉल बार बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड होकर के डाली जाएंगी, लेकिन ये भी जब आप पेवर इस्तेमाल करें एक ट्रायल लेंथ डाली जाती है, उस ट्रायल लेंथ में सारा कितना कॉम्पैक्शन हो रहा है, कितनी स्लम की रिक्वायरमेंट है और डॉल बार कैसे डाली जा रही है, ये सारी चेक करते हैं। तो जब आप ट्रायल लेंथ डालेंगे तो उसकी फ्रेश कंक्रीट को ही उखाड़ते हैं और डॉल बार का प्लेसमेंट विजुअली चेक करते हैं कि वो टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं डाली हुई है,
भाई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि प्योर में जो खराबी है कि वो टेढ़ी मेढ़ी डॉल बार डाल सकता है, और टेढ़ी मेढ़ी डॉल बार डल गई तो वो ज्वाइंट जो ट्रांसफर ज्वाइंट है उसके आजू बाजू में दोनों तरफ में कहीं पर भी कुछ समय बाद क्रैकिंग आ जाएगा। तो डॉल बार का अलाइनमेंट होना चाहिए। प्लेसमेंट में तो फिर यही है, कॉन्क्रीट को लाइए, प्लेस स्प्रेड करिए, उसको कॉम्पैक्ट करिए। मैनुअली कर रहे हैं तो स्किड वाइब्रेटर्स हैं, तरह तरह के स्किड वाइब्रेटर्स आजकल अवेलेबल हैं। ये बड़ा सिंपल फॉर्म है, एक बीम है, बीम के ऊपर एक वाइब्रेशन करने वाला इंजन लगा हुआ है। बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप के भी स्किड वाइब्रेटर भी हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी अलग तरह के भी स्किड वाइब्रेटर्स हैं, तो उनसे आप फिनिशिंग करें। अगर 10 सेंटीमीटर के थिकनेस है तो स्किड वाइब्रेटर ही कॉम्पैक्शन पूरा कर सकता है, लेकिन अगर आप 25-30 सेंटीमीटर की थिकनेस डाल रहे हैं तो पहले इंटरनल वाइब्रेटर जो होते हैं उनसे वाइब्रेट करते हैं और उसके ऊपर फिर स्किड वाइब्रेटर से वाइब्रेशन करते हैं। तो ये सारे वही कॉम्पैक्शन वाले और फिनिशिंग वाले फोटोग्राफ्स हैं। अब जॉइंट वाली बात थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। जो हम सॉकेट जॉइंट करते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर, जहाँ सॉइंग मशीन यूज़ करके करते हैं, वो 24 घंटे के अंदर करना होता है। ये दूसरी बड़ी नेग्लिजेंस है जो किसी भी कॉन्क्रीट रोड के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर आती है, कि जॉइंट कॉन्क्रीट तो आपने ले कर दी लेकिन जॉइंट उसके कई दिन तक नहीं काटते हैं।